दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों भारत 7 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें एक नाम आता है अफगानिस्तान का। ये देख सकते हो आप, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं और दोस्तों इसकी लंबाई 106 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा देश आता है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और दोस्तों इसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर। अब दोस्तों आगे चलते हैं, चाइना। ये आ गया चाइना। भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और इसकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर है। दोस्तों आगे चले तो एक नेपाल आ गया भारत का पड़ोसी देश, एक भूटान आ गया और एक म्यांमार आ गया और एक बसता है बांग्लादेश। तो हमारा क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा कौन सा देश बनाता है? तो भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, लगभग 4,096.7 किलोमीटर, जिसमें हमारे 5 राज्य से जुड़ी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल आ गया, मेघालय आ गया, असम आ गया, मिजोरम आ गया और त्रिपुरा आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगी। समझ आए तो लाइक कमेंट करके बात। और दोस्तों हमारी सफलता का एक ही राज है कि मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करे, क्योंकि हमें हर हालात में जीना आता है।